और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी है। आज शाम को मोरबी में 6:30 बजे हैंगिंग ब्रिज टूटा। जिस समय ये ब्रिज टूटा वे समय पे करीबन 150 जितने मोरबी के नागरिक वो ब्रिज पे थे, ऐसी माहिती अभी तक प्राप्त हुई है। माहिती के अनुसार और हम सब ने देखा है कि 6:30 को बनी हुई ये घटना में मात्र 15 मिनट के अंदर शहर का पूरा तंत्र, फायर ब्रिगेड, कलेक्टर, जिला एसपी, डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस 108, पूरी टीम घटनास्थल पे मात्र 15 मिनट में वहां पहुंच गई थी और बचाव की कामगिरी को बहुत ही तेजी से वो कामगिरी को आगे बढ़ाते हुए पहला पेशेंट घटना बनने से मात्र 19वें मिनट में, मतलब 6:50 को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था। ये बचाव कामगिरी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पूरी मोरबी की टीम के साथ सीधे संपर्क में थे। सभी मंत्रियों को आसपास में हो वहां पे पहुंचने की सूचना मिल गई थी। गृह मंत्री के होने से मुझे भी तात्कालिक स्थल पे पहुंचने की सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने दी थी। किसी भी सरकार का इस प्रकार की जब घटना बनती है तो प्राथमिकता सबसे पहली यही होती है कि बचाव कामगिरी हो, और ये बचाव कामगिरी गुजरात सरकार ने बहुत ही तेजी से नीचे तक पहुंचाई। अभी तक करीबन 70 जितने लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है और कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद गुजरात के नागरिकों पे है। इनमें से अधिकतर लोगों को बचाने में हम सफल हुए, उनकी प्राथमिक सारवार अभी चल रही है। इस प्रकार की घटना बनने से तुरंत ही प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पे फोन आया और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से गुजरात सरकार के साथ संपर्क में रहकर केंद्र से किस प्रकार से क्या क्या मदद बचाव कामगिरी में मोरबी में कर सकते हैं, उसमें सभी प्रकार की मदद हमें केंद्र से अभी मिल रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का भी फोन आया था। उन्होंने एनडीआरएफ को और तमाम एजेंसियों को सूचना देकर तात्कालिक इसमें मदद पहुंचाने के लिए सूचना की है। खास तौर पे ब्रिज टूटने से जो लोग गिरे थे उनमें से अधिकतर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और मुख्यमंत्री जी ने जिला तंत्र एवं आसपास के सभी जिले की टीम को ये सूचना दी है। सभी हॉस्पिटल्स और सभी प्रकार की व्यवस्था ये सभी दर्दी के लिए तैयार रहे और दर्दी जो हॉस्पिटल पहुंचे उसको सभी प्रकार की सारवार तात्कालिक मिले, इस प्रकार की सभी प्रकार की व्यवस्था गुजरात सरकार द्वारा की गई है। खास तौर पे जब ऐसी कोई घटना बनती है तो समाज के सभी वर्ग साथ में मिलके बचाव कामगिरी साथ में करते हैं। आज भी हमने सबने एक दृश्य देखे, 6:30 को बनी ये घटना में जिस प्रकार से सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलके एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो कामगिरी की थी वो कामगिरी सही में सराहनीय है। एक तरफ बचाने की कामगिरी चल रही है, एक तरफ ये दर्दियों को
सारवार चल रही है अस्पताल में, और तीसरी तरफ जिस प्रकार से ऐसे विषय में जहां कहीं ना कहीं इतना बड़ा दुखद विषय हो, उस विषय पर राजनीति करनी, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय कदम है। इस प्रकार की राजनीति आज तक कभी हमारे राज्य में ऐसी घटना बनी हो तभी कभी इस प्रकार की राजनीति मैंने नहीं देखी है। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बचाव कामगिरी अच्छी तरह से हो, बचाव कामगिरी के बाद उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो। ये दोनों कामगिरी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में, उनके डायरेक्ट उनकी देखभाल में ये सब ट्रीटमेंट और बचाव कामगिरी चल रही है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल तुरंत ही अभी अहमदाबाद से राजकोट होके मोरबी जाने के लिए निकल रहे हैं। वो पूरी बचाव कामगिरी खुद निरीक्षण करेंगे और सभी प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ जरूरत होगी वो राज्य सरकार, सभी प्रकार की तैयारियां राज्य सरकार द्वारा की गई है। सर, पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात में, क्या संभावना है कि वो खुद भी मोरबी जाएं? देखिए, अभी सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी बचाव कामगिरी की है और वो जिम्मेदारी हम लोग पहले निभा रहे हैं। आपने देखा कि 6:30 को बनी हुई ये घटना में मात्र 15 मिनट में इतने बड़े पैमाने में, इतने छोटे शहर में, ये कोई बड़ा शहर नहीं है, इतने छोटे शहर में इतने बड़े पैमाने में सभी प्रकार की बचाव कामगिरी चालू हो गई, वो भी मात्र 15 मिनट में। सरकार बहुत ही गंभीरता से ये पूरी बचाव कामगिरी खुद मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक एक पेशेंट को क्या तकलीफ है, उनको ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो सभी निरीक्षण खुद कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि राज्य सरकार सभी पेशेंट्स की तात्कालिक ट्रीटमेंट के लिए सभी अस्पताल को राज्य सरकार के द्वारा निर्देश किए गए हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, सभी डॉक्टर्स वहां पे उपलब्ध रहेंगे और सभी पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देके भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी प्रार्थना करिए कि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो। देखिए, अभी तक बचाव स्थानिको बधाई आवी गया था, तमे पण बचाव कामगिरी मां छो, सारू कर्यु छे के केम दीवा, बचाव नु काम सारू कर्यु छे, प्रेग्नेंट महिलाओ मरी गया छे, जेना गर्भ मां 8-8 महीना नो छोकरो छे, महिलाओ मरी गया छे, 50 लाशो काढी, કેટલા હજી બાળકો આની નીચે દબાયા, ક્રેન થી ઉપાડે એટલે મિનિમમ ખબર પડે 100 ની ઉપર નીકળશે અને હજી ચાન્સ ચાલુ જ છે, બરોબર, હજુ પણ લોકો છે તે બચાવ કામગીરી છે તે અહીં કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। જે રીતના દ્રશ્યોની અંદર જોઈ શકો છો કે અનેક લોકો છે તે આ પુલની નીચે દબાયા છે, હાલ બચાવની કામગીરી છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। જે રીતના સ્થાનિક લોકોની સાથે સાથે હવે રાજકીય નેતાઓ છે તે પણ એક પાદ એક અહીં પહોંચી રહ્યા છે। જે રીતના વરવા દ્રશ્યો છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે જે મોરબીની અંદર મચ્છુ ડેમ તૂટ્યો હતો ને ત્યારે આ પ્રકારે મોટી દુર્ઘટના છે તે સર્જાઈ હતી, આખું મોરબી છે તેની અંદર પાણી છે તે ફરી વળ્યા હતા, ત્યારે ફરી એક વખત મચ્છુ નદીની અંદર આ પ્રકારની ઘટના છે તે સામે આવી છે। શું ક્યારે કરવામાં, હમણાં રિનોવેશન કરાવવામાં આવ્યું તો ફૂલ કેમ તૂટી ગયો, એનું કારણ શું, મોરબીની પબ્લિક જવાબ માંગે છે, ફૂલ હજી હમણાં જ રિનોવેશન કરાવવામાં આવ્યું હોય તો તૂટી કેમ ગયો? અત્યાર સુધીમાં 1.5 કલાકથી અમે ડેડ બોડી કાઢી છે, 20-21 ડેડ બોડી મારા નજર સામે અમે કાઢી છે, ગોદડામાં લઈ અને જતા રહ્યા છે, 1.25 કલાક થઈ છે, ધન્યવાદ। બચાવની કામગીરી છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં જોવો ત્યાં લોકોના ટોળે ટોળા છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, બચાવ કામગીરી અત્યારે પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। મારી સાથે અહીંના સ્થાનિક પ્રતિનિધિ હિમાંશુ છે, તેની સાથે સીધી વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। હિમાંશુભાઈ, શું ઘટના બની હતી, ક્યારે આ પુલ રિપેર કરવામાં આવ્યો હતો અને કઈ રીતના આ ઘટના બની છે? જો આપણે વાત કરીએ તો આ જે બ્રિજ છે તે બેસતા વર્ષના દિવસે રિનોવેશન કરીને ખુલ્લો મૂક્યો હતો અને બેસતા વર્ષના દિવસે સવારથી આ ચાલુ થયો અને આજ દિવસ સુધીમાં 14,000 લોકો આ પુલ ઉપરથી પસાર થયા અને જ્યારે આજે 7:45 થી 7 વાગ્યાના અરસામાં આ પુલ જ્યારે તૂટ્યો ત્યારે અંદાજે 400-500 લોકો હતા અને જે લોકો છેલ્લી 1.5 કલાકથી અહીંયા બચાવ રાહતની કામગીરી કરી રહ્યા છે તેમના કહેવા પ્રમાણે અત્યારે આજે પુલ નીચેથી
लगभग 50-60 जेटला डेड बॉडी जेमा बाळको छे, महिला छे, युवानो छे, अन्य लोको छे, 50-60 जेटला डेड बॉडी काढेला छे ने अंदाजे 100 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત હોય તેને સારવાર માટે જુદી જુદી હોસ્પિટલોમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। હજુ પણ આ જે પાટિયું છે કે જે ઝૂલતા પુલની ઉપરથી લોકો ચાલતા હતા તે પાટિયાની નીચે અને तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। एक पुल टूटा है, केबल पुल टूटने से 30 लोगों से के मरने की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी बड़ी तादाद में लोग अंदर फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की ओर से निगरानी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। संवाददाता अश्विन पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी, अभी तक जो जानकारी है करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत इस घटना में हुई है। और आपको बता दें कि जो ये झूला ब्रिज है पिछले कई महीनों से इसका मरम्मत का काम चल रहा था, इसे बंद किया गया था, दिवाली के आसपास इसे खोला गया और आज ये बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत पुराना ब्रिज था और मरम्मत के काम के लिए इसे बंद रखा गया था। रविवार का दिन होने के नाते बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि मोरबी को एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करने वाले जो दूसरे ब्रिज है उसके ठीक बगल में ये ब्रिज है, राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया है जानकारी के मुताबिक। और क्या खामियां थी अब ये जांच का विषय है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जब मरम्मत का काम किया गया था तो ऐसे में ये घटना कैसे हो गई, क्या वहां का प्रशासन पूरी तरह से ढीला रवैया अपना रहा था, ये बड़ा सवाल है। और चूंकि इस हादसे के दौरान 300-400 लोग वहां मौजूद थे, 30 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, ऐसे में और कितने लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं ये जो है प्रशासन की तरफ से तलाशा जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्टेट की जो SDRF टीम है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उसे तत्काल बुला दिया गया था हादसे के बाद। लगातार प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन ये हादसा रोका जा सकता था। मरम्मत का काम जब हुआ था उसको जाकर अगर बराबर सही तरीके से उसकी जांच हुई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले जैसा हमें जानकारी मिली है कि 8 से 10 दिनों पहले ही इस ब्रिज को खोला गया था और सैलानी यहां पहले बड़ी संख्या में आते थे। और चूंकि कई महीनों से ब्रिज का काम चल रहा था तो जैसे ही सैलानियों को पता चला कि ब्रिज वापस खुल गया।